Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu everybody. Let's experience the education. So in the last video we have gone through our grid and we have implemented this one. Now in this video we are going to see some more properties regarding our grid view. So here the first property we will discuss here is justify content. The second property we will use is align content. Then we have a grid column start, grid column end, grid row start, grid row end, and also grid area. So what they are, so let's begin. So first I will remove this one. I will make it as a 100% 100 pixel. Then I will make it as a 100 pixel 100 pixel 100 pixel then 100 pixel. Now I will give the height as 80% 80%. चलो इतना हो गया. अब मैं इसको जरा वो border दूंगा. तो border is equals to 1 pixel solid red. तो आप देख पा रहे border आ गया. अब मैं इसको दूंगा justify content center. तो center में हो जाएगा. आप यहाँ पर flex start कर सकते हो. ये start में है. Then we have a end. ये end में चला जाएगा. मैं यहाँ पे space between दे सकता हूँ. स्पेस बिटवीन आ जाएगा. स्पेस अराउंड, ये मैंने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं इन फ्लेक्स बॉक्स. विल गिव द लिंक इन द आई बटन सो दैट यू कैन चेक इट आउट देयर. यहाँ पे हम लोग स्पेस इवनली भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस इज इट. तो ये तो समझ में आ गया होगा. मैं अब यहाँ पे अलाइन कंटेंट का यूज़ करूँगा. मैं दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट. फ्लेक्स स्टार्ट तो ये तो स्टार्ट में ऑलरेडी है. मैं यहाँ पे दूंगा फ्लेक्स इंड तो ये इंड में चला जाएगा. तो अलाइन कंटेंट वर्क्स ऑन द फ्लेक्स फ्लेक्स लाइन. अब मैं यहाँ पे दूंगा स्पेस अराउंड. तो इनके बीच में स्पेस आ गया है. स्पेस इवनली, इसके बीच में भी स्पेस आ गया है. तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है अपने फ्लेक्स बॉक्स में. तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि फ्लेक्स कंटेंट एंड फ्लेक्स आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है. तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. यू कैन गेट द डिटेल्ड वीडियो. I'll give the link in the I button so that you can check it out there. तो ये इनके बीच को इनके बीच में गैप दे देगा. तो आई होप दैट इज ऑल्सो गुड. सो अगर आपको कोई भी चीज़ सेंटर में लानी है तो आप ऐसे करके उसको सेंटर में भी ला सकते हो. सो दैट इज इट. अब हम लोग क्या देखेंगे. मान लो कि अगर आपको अपने फर्स्ट बॉक्स को एक्सपेंड कराना है तो आप कैसे कराओगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे बॉक्स वन ग्रिड ग्रिड रो कॉलम स्टार्ट. तो कॉलम स्टार्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन. देन वी हैव अ ग्रिड कॉलम इंड एज थ्री. तो ये दो का एक्सपेंड हो गया. तो आप कहोगे कि ये थ्री मतलब कैसे एक्सपेंड हुआ. तो ये हमारी है कॉलम कॉलम लाइन वन और ये है हमारी कॉलम लाइन टू और ये है हमारी कॉलम लाइन थ्री. तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम लाइन वन से स्टार्ट करो और कॉलम लाइन थ्री तक लेके जाओ. तो ये इसने ये वन कवर किया. अगर मैं कलर को चेंज करता हूँ तो इसने ये वन लाइन कवर की. देन इसने ये टू लाइन कवर की और इसने ये थ्री लाइन कवर की. और ये है हमारी रो लाइन. ये है हमारी सेकेंड रो लाइन. ये है हमारी थर्ड रो लाइन. ये है हमारी फोर्थ रो लाइन. ये है हमारी फिफ्थ रो लाइन. तो ये है फिफ्थ और ये है वन. अगर मैं सेम चीज़ लिखूंगा ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो इन वन और थ्री तो कहाँ से स्टार्ट होगा. ये हमारा ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये वन से स्टार्ट हुआ और थ्री तक गया. आई होप दैट इज़ क्लियर. तो चलिए हम लोग सेम चीज़ को कॉपी करेंगे और कॉलम को रिप्लेस करेंगे रो से. तो मैंने यहाँ पे लिखा रो. मैंने यहाँ पे लिखा रो. अब देखो सेम चीज़ हमको मिल चुकी है. आप चाहते हो कि नहीं नहीं हम कॉलम लाइन एंड रो लाइन से मेरे को समझ में नहीं आ रहा या फिर हम काम नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि हम कितने कॉलम और कितनी रो एक्सपेंड करना चाहते हैं हम उसके बेसिस पे करना चाहते हैं. मतलब मान लो कि हम चाहते हैं कि मेरा जो ये वाला बॉक्स वन है ये सेवन ये यहीं पर रहे लेकिन आई वॉन्ट टू एक्सपेंड
with two rows, with two row item, with two column item. तो उसका इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं बोलूँगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन और तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट्स द शॉर्ट हैंड ऑफ यूजिंग दिस वन. सो आई कैन राइट हेयर इज ग्रिड कॉलम 1 3 देन वी हैव अ ग्रिड रो as 1 1 3. So we will get the same thing. अब अगर हम यहाँ पे span लिखते हैं तो ये बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. अब ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि अब ये हमारा line पे नहीं वर्क कर रहा है, ये अब column, ये अब column line पे नहीं वर्क कर रहा है, ये अब column से बंद कर रहा है. मतलब this is first column, this is second column and this is third column. इसीलिए हमने बोला कि मेरे को 3 कॉलम स्पैन कर दो, और ये अभी भी रो पे रो लाइन पे वर्क कर रहा है. अगर मैं स्पैन लगा दूंगा तो ये कैसे बॉक्स स्पैन हो जाएगा, ये बॉक्स स्पैन हो जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया और ये हमारा थर्ड रो हो गया. अब पहले क्या था, ये हमारी फर्स्ट रो लाइन थी, ये हमारी सेकेंड रो लाइन थी, ये यहाँ थे, इसलिए बॉक्स यहाँ तक आ रहा था. अब बॉक्स यहाँ तक आएगा क्योंकि इसने अपने आप को 3 रो में एक्सपेंड कर लिया है. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पैन तो अभी ऐसे हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट रो हो गया, ये हमारी सेकेंड रो हो गया, ये हमारी थर्ड रो हो गया. तो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर. अब हम ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो का शॉर्ट हैंड होता है ग्रिड, क्या होता है ग्रिड, देखना पड़ेगा ग्रिड एरिया. तो मैं लिखूँगा पहले यहाँ पर होता है ग्रिड कॉलम ग्रिड रो स्टार्ट, मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करो. दूसरा होता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो मैं पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मैंने यहाँ पे लिखा 1. फिर होता है ग्रिड रो एंड दैट इज 3, देन ग्रिड रो एंड दैट इज 3. देखो हम लोगों ने सेम आउटपुट को अचीव कर लिया है, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर. अब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इस चीज़ को, तो मैंने लिखा यहाँ पर ग्रिड एरिया, तो पहला वैल्यू होती है रो, तो रो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी. फिर यहाँ पे होता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, दैट इज ऑल्सो स्टार्ट विद 1. नाउ ग्रिड हमारी इन कहाँ पे होगी, स्पैन 3 एंड स्पैन 3. तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ ये देखो सेम चीज़ हमको मिल गया. तो ये जो पहली वैल्यू होती है ये होती है ग्रिड ग्रिड रो स्टार्ट, देन वी हैव अ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, देन वी हैव अ ग्रिड ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड. तो हमारा ये सीक्वेंस होता है. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो हम लोगों ने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट वीडियो देर आर फ्यू properties are still remaining and we have a function as well that makes our task easier. Now in the next video we will discuss this one. I hope guys that is all clear. If you are new to this channel, please like, subscribe and comment and share with your friend. I will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.